वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें टक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 2,259 नए मामले सामने आए। 24 घंटों की बात करें तो 120 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 3,289 मरीजों की मौत हो चुकी है महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के चलते। पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े की अब तक की बात करें तो 1,00,000 पहुंचते में अब ज्यादा दूरी नहीं, क्योंकि 90,000 को आंकड़ा पार कर चुका है। मुंबई में बात करें तो 51,000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। डब्बे वाले जो कभी पूरी मुंबई का पेट भरते थे, अब उनके खुद के खाने के लाले हैं। हालत ये कि लॉकडाउन के बाद से उनका कामकाज बंद है। बारिश, बाढ़, आतंकी हमले भी जिन्हें काम करने से नहीं रोक पाए, कोरोना वायरस ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मार्च से लगे ब्रेक का ये हाल है कि जो डब्बा वाले मुंबईकरों का पेट भरते थे, अब अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं। ये तो सब खत्म होने जा रहा है, काम तो चालू नहीं हो रहा है, तो हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। मुंबई में डब्बा वाले 125 साल से खाने की डिलीवरी कर रहे हैं, पर उनके काम में इतना बुरा वक्त शायद कभी नहीं आया। 40 साल के विनोद शेट्टी की 3 पीढ़ियां इसी काम में लगी थी। अब इन्हें लगने लगा है कि मुंबई में गुजर बसर मुश्किल है। ये लाइन में 15 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। डब्बे में मेरा ये तीसरा पीढ़ी है डब्बे का काम करने का। मेरा पिताजी तीसरा पीढ़ी, मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी करते थे। मार्च से हमारा काम हम लोग ने डिक्लेयर किया था। हमारा राजेश टोपे इनसे बात हुआ था कि वो लोग ने बोला तुम लोग पहला बंद करो, क्योंकि तुम्हारा जो काम है वो लोगों को डोर टू डोर जाते हो। मुझे बता रहे थे शायद आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। कितना महीना हुआ? 5वां महीना अभी फिलहाल। तो अभी दिक्कत आ रही है, हॉस्पिटल के राउंड्स लग रहे होंगे, आई एम श्योर खर्चे हो रहे होंगे। बहुत खर्चे हो रहे हैं अभी। आपको तो सबको तो मालूम है प्रेग्नेंसी में कितना खर्चा होता है, कितना नहीं होता है। आप अभी बता रहे थे 1,300 रुपए एक दिन के टेस्ट ब्लड चेक के लिए। आंधीवली के रहने वाले मल्हार के घर की छत उड़ चुकी है। मॉनसून सिर पर खड़ा है, बूंदाबांदी रोज हो रही है, पर काम बंद हो जाने से मल्हार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने परिवार को भीगने से बचाए। भाई है मेरे, वाइफ है, दो बच्चे हैं। अच्छा। और माँ है। तो आप ही कमाते हैं? मैं ही कमाता हूँ। अकेला। क्या नुकसान हुआ साइक्लोन जब आया? अभी जो घर के रहता है ना, मकान के पतरे छप्पर सब उड़ गया। आपने उसको सही करवाने का पैसा भी नहीं है इस वक्त? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, कागज डाल के चल रहे हैं। वैसे कागज डाल के चल रहे हैं। और जो बारिश हो रहा है भाई, वो सर वो प्लास्टिक का कागज डाल के, अभी बारिश तो इतना फिलहाल हुआ नहीं गांव में, लेकिन बादल ज्यादा हो गए ना। पर अगर कभी होता है तो पानी घर में घुसता है? घुसता ही, पानी आता ही नहीं। विनोद और मल्हार की तरह डब्बा वालों को अपने भविष्य में अंधकार ही नजर आता है। जब तक लोकल न शुरू हो जाए ये काम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सी सोसाइटियों में तो बाहर के लोगों के घुसने पर भी पाबंदी है। ऐसे में ये टिफन उठाने कैसे जाएंगे, ये भी एक सवाल है। 4 महीना हो गया अब डब्बे वाले को पगार नहीं है। डब्बे वाले की आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब हो गई है, उसके घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। मुंबई डब्बा वाला असोसिएशन को जितना शक्य हुआ उतनी मदद रेशन भर के हमने उनको दिया है। हम आपसे भी अपील करते हैं कि जितनी शक्य हो मदद करें, हम डब्बे वालों को मदद पहुंचाएंगे। सरकार की तरफ से राशन की मदद मिली, पर वो पैंडेमिक की वजह से ये जो बेचारी कम्युनिटी है ये बहुत परेशान है, और सारे के सारे जो 6,000-7,000 लोग हैं वो इनके काम धंधा बंद होने की वजह से बहुत परेशान है। खाने का किट महाराष्ट्र राज्य सरकार इनसे यादी लेके उनको तब तक देगी जब तक का इनका ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता और जब तक ये काम पे फिर से नहीं आता। उन्होंने कुछ कहा है कि अपनी तरफ से कम हमारे घर के लिए जो है वो 2,000 रुपया जो है फैमिली को मिलना चाहिए। तो कल कैबिनेट है और उस कैबिनेट के अंदर हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तनुश्री पांडे के साथ विद्या, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में मिशन बिगन की बात करें तो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा है। उद्योगों की क्षमता का सिर्फ 20% काम हो रहा है। मुख्य वजह है लेबर की कमी। मुंबई से सटे ठाणे में छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज दिन रात गुलजार रहती थी, अब सब बदल गया है। लंबे लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री खुल तो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन लेबर की कमी के चलते प्रोडक्शन 20% भी नहीं हो पा रहा। मुंबई और ठाणे में प्रशांत कॉर्नर की फरसाण और मिठाई बहुत मशहूर है। लॉकडाउन से पहले इनकी फैक्ट्री आउटलेट में 600 वर्कर काम करते थे, अब सिर्फ 80-90 वर्कर में ही काम हो रहा है। आम दिनों पर यहाँ पर हम आते तो 100 से ज्यादा वर्कर्स आपको यहाँ पर काम करते एक वक्त में नजर आते, लेकिन अभी के आप हालात देखिए, पूरी की पूरी जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है
वो आपको खाली नजर आ रही है। केवल 10 से 12 लोग मुश्किल से इस पूरे सेक्शन में फिलहाल काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स की जो मिठाई है और जैसे नमकीन में हो गया, वो सारी चीज़ें इस सेक्शन में बनाई जाती है। ऐसे कई सारे सेक्शंस इस पूरे फूड इंडस्ट्री में मौजूद है। काम का शुरू तो हो गया है, मगर हमारे पास जो लेबर है वो थोड़ी सी कमी है। जैसे सेल्समैन कम है, माल बनाने के लिए लोग कम है। हम लोग लोगों की पूरी प्रिकॉशन ले रहे कि उनकी सुविधा ये हो, और उसी तरह से अभी कस्टमर जो है लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़े कस्टमर आना चालू हो गए। कस्टमर पहले जितने आते थे उतने कस्टमर नहीं आ रहे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी लेबर की कमी से बुरी तरह जूझ रही हैं। ठाणे के एनएस इंडस्ट्रीज में 20 से 25 वर्कर काम करते थे, पर अब इन्हें सिर्फ 3 लोगों से काम चलाना पड़ रहा है। वो भी तब मिले हैं जब मालिक जगजीत सिंह खुद इन मजदूरों को इनके घर से फैक्ट्री लेकर आते हैं और घर छोड़कर आते हैं। लेबर को खाना भी कंपनी की तरफ से दिया जाता है और काम की शिफ्ट भी छोटी कर दी गई है। चालू तो कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा इशू है मैन पावर का। अच्छा। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तकरीबन मेरे 70% वर्कर्स सब चले गए हैं। हाँ, तो अभी उनको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं जब तक हालात सही नहीं होते तब तक मैं हम नहीं आ पाएंगे। मेन थिंग वो डरे हुए हैं, वो चाहते हैं कि अगर कुछ 19-21 हो जावे तो एटलीस्ट वो बंदे अपने फैमिली के साथ में हो। माइग्रेंट का लेबर की वजह से मैक्सिमम देखो सर, अपने पास जितने भी बंदे माइग्रेंट लोग ही काम करने वाले यहाँ पे ज्यादा हैं, और मेरे पास 70% बंदे अभी चले गए हैं। लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से मंदी आई है, उससे डिमांड में भी गिरावट आएगी। फिलहाल तो लेबर की कमी के चलते इंडस्ट्री जो डिमांड है उसे भी पूरा करने में लाचार है। ठाणे से सौरभ बक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मजदूरों की मदद को लेकर सियासी फायरिंग की रेंज में आए अभिनेता सोनू सूद पहली बार खुलकर बोले। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो किसी भी हाल में सियासत में नहीं जाएंगे। उद्धव से मिलने और सामना में हमले पर भी उन्होंने तस्वीर साफ की। शिवसेना सामना और सोनू सूद पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे हैं। इस वक्त सोनू सूद हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे। 180 लोगों को एरोप्लेन से सिलचर भेज रहे हैं। इस वक्त वो खुद इस डिपार्चर को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सोनू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पिछले कुछ दिनों से बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है आपके इस काम को लेकर। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको कह रही हैं कि आप एक पार्टी के कहने पर ये कह रहे हैं, कितना सच है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये लोग जो हैं घर जा रहे हैं सब लोग, कोई लोगों को बोलने दे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एज लॉन्ग एज सब लोग अपने घर में जाके अपनी फैमिली से मिल रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं और नीति, हम लोगों ने शुरू किया था सबसे पहले घर भेजो का जो पूरा सिस्टम। हमें मालूम है कि आज एज वी आर टॉकिंग आज जम्मू से लोग रांची जा रहे हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं, ओडिशा जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं सब लोग। तो इट डजंट रियली मैटर कहाँ से भी जा रहे हैं। एंड यू नो आई एक्चुअली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वी बोथ ऑफ अस वांट टू थैंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर हेल्पिंग अस। अगर उनके वो नहीं करते तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो लेकिन संजय राउत का आरोप था कि आप महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। नो नो, आई ऑलवेज सेड दैट, यू नो आई थिंक एक उनका ओपिनियन है, बट यू नो बड़े बंदे हैं संजय सर, एंड आई एम श्योर यू नो टाइम विल टेल द ट्रूथ की और रियलाइज करेंगे। बट आई बिलीव दैट यू नो व्हाट एवर इज हैपनिंग, ऑल थैंक्स टू उद्धव जी एंड आदित्य फॉर हेल्पिंग अस। यू नो मेरे दोस्त हैं असलम शेख, यू नो ही इज बिन ग्रेट हेल्प, यू नो सब टू ऑल पुट थिंग्स टूगेदर, उनके बिना नहीं पॉसिबल था। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज कि ये लोग अपने घर वालों से मिल पा रहे हैं, दैट इज द इंटेंशन। मिलने भी गए थे ठाकरे से, कैसा क्या बात हुई वहाँ पर, क्या उन्होंने वो संतुष्ट हुए आपने जब बात किया? दे वेरी नाइस, आई नो देम पहले से, मैं जानता हूँ, और इट वाज जस्ट वार्म आई वुड से मीटिंग, वी हैड अ कप ऑफ कॉफी एंड ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वार्मथ ही हैज ऑलवेज बीन शावरिंग ऑन अस। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।